हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू से पापड़ बनाना, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू के पापड़ बनाना। आलू के पापड़ बनाने के लिए ये हमने 1 किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये कुछ मसाले लिए हैं। हींग ली है 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच मैंने मोटी दरदरी लाल मिर्ची ली है, इसको मैंने कूट लिया था, और 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, और ये ऑयल लिया है। और ये मसाले मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल आसान तरीके से आलू के पापड़ बनाकर हम तैयार करेंगे। इसे मिक्स कर लूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आटे की तरह मैं गूंद कर तैयार करूंगी। और इसमें एक भी मोटा आलू नहीं होना चाहिए, आलू को बारीक साइड से ही कद्दूकस करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी हाथ से। ये मैंने 2 चम्मच के आसपास ऑयल लिया है। और इसे मैं इकट्ठा कर लूंगी। और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। और ये मैंने एक चकला लिया है, और ये मैंने एक पोलाथीन लिया है। आपके पास कोई सा भी पोलाथीन हो वो ले सकते हो। और इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी, और हाथ पे भी ऑयल लगा लूंगी। अब मैं इसमें से थोड़ा सा इतना लूंगी मैं पेड़ा, फिर रख दूंगी और इसको इस प्रकार से बंद करूंगी। आप चाहे इसे प्लेट ली है और इस प्लेट से मैं इस प्रकार से इसे दबा दूंगी। और अब मैं इस प्लेट को हटाऊंगी। ये देखो हमारा पापड़ कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। आपको अगर मोटा लगे तो आप इसे हाथ से भी फैला सकते हैं पापड़ को। अब मैं इसे निकालूंगी। मैं इस पोलाथीन को हाथ से उठा के नहीं, और ये मैंने एक पोलाथीन बिछाया हुआ है चद्दर के ऊपर, और इसको मैं इस प्रकार से पलट दूंगी और इस पोलाथीन को उठा लूं। और इसी प्रकार से मैं अपने सारे पापड़ बनाकर तैयार करूंगी। आप चाहे इसे बेलन की मदद से भी बना सकते हैं। मैं आपको एक पापड़ बेलन की मदद से भी बेल कर दिखाऊंगी। और ये पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे नवरात्रि के फास्ट में भी खा सकते हैं। मैं आपको एक बेलन की मदद से भी बेल के दिखाऊंगी पापड़। ये पापड़ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं, जरूर ट्राई करें। पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। बोलना मत भाई। हमारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।